एक चीज बताइए आप लोग, हमारी सब माँ बहने बैठी है, शिव के मूर्ति को पूछते हैं कि उसके लिंग को पूछते हैं? बताइए किसको पूछते हैं? तो एक चीज बताइए कि जिस समाज में लिंग का पूजा होता है वो समाज से भी बेसर्म कोई समाज होता है? बताइए, उस लिंग को छूने से हमारी माँ बहन या जो भी छूता होगा उसको भक्ति का भावना आएगा कि दूसरा चीज का भावना आएगा? दिल से सोच के बताइए। लेकिन हम अपने समाज को इस अंधकार से निकालना नहीं। होली का त्योहार जिस बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है उसे भी ये जातिगत रूप से परिभाषित करते हुए होलिका को दलित बताते हैं और उसके साथ बलात्कार होने की बात करते हैं। अब विधायक जी के ज्ञान के बारे में आप क्या कहेंगे? देवी सरस्वती, दुर्गा, भगवान शंकर तथा अन्य कई देवी देवताओं के बारे में अति आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले मखदुमपुर के विधायक सतीश दास जी का एक वीडियो, जो हालांकि पुराना है लेकिन फिर भी इनकी सोच को बताने के लिए पर्याप्त है। ये होलिका कौन थी आप जानते हैं? ये होलिका हमारे घर की बेटी थी और मुट्ठी भर जो तोंद वाला जो लोग हैं, वो लोग उसके साथ दुराचार किया, बलात्कार किया और उसके बाद पूरा गांव का लकड़ी जमा कर करके उसको जिंदे जला दिया। जला दिया उसी को हमारे एक साल हमारी घर की लड़की बेटी जलाई गई और हम उसी को हर एक साल हम मनाते हैं होली के रूप में। ये तो भैंसुर भी भाभू के जाकर के गाल में छू छू के पूरा रंग लगाता कि नहीं लगाता? ससुर भी पुतोह के जाकर के गाल में रंग लगाता और कहता बुरा ना मानो होली है। अरे भैया पूरा तो कर दिया, हम माने भी नहीं करता। एक चीज बताइए आप लोग, हमारी सब माँ बहने बैठी है, शिव के मूर्ति को पूछते हैं कि उसके लिंग को पूछते हैं? बताइए किसको पूछते हैं? तो एक चीज बताइए कि जिस समाज में लिंग का पूजा होता है वो समाज से भी बेसर्म कोई समाज होता है? बताइए, उस लिंग को छूने से हमारी माँ बहन या जो भी छूता होगा उसको भक्ति का भावना आएगा कि दूसरा चीज का भावना आएगा? दिल से सोच के बताइए। लेकिन हम अपने समाज को इस अंधकार से निकालना नहीं। कपड़ा नहीं उठता, दुर्गा कहीं दुनिया में और कहीं है क्या? है, दुर्गा भारत में है, वो दुर्गा शेर पर सवार है। लेकिन दुर्गा के रहने के बावजूद भी 7 साल 8 साल 6 साल के बेटी के साथ बलात्कार कैसे हो जाता? वो दुर्गा क्या कर रही है? शेर पे खाली बैठे से काम चलेगा? क्यों बलात्कारी का सजा देना पड़ेगा? तो इसलिए आप ये सब तमाम भोग ढकोसला से बाहर निकलिए। यदि